हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू द विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक अगेन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डे दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल बुक है। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू के एडिटोरियल से लिए जाते हैं। और चूंकि आज करेंट का लेक्चर थोड़ा सा लेट होगा इसलिए मैंने सोचा कि पहले वोकैब का ही लेक्चर ला दिया जाए। तो करंट का भी लेक्चर आपको इसके मिलने के 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, बट कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो लेक्चर नहीं हो पाया है अभी तक कंप्लीट। सो मैं जल्दी उसको कंप्लीट करके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक फिलहाल चलते हैं इस लेक्चर की ओर। और हाँ, मैंने कल एक लेक्चर बनाया है KVS के एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, साथ ही साथ उसके 1 साल के क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग बताएं, उसको भी जाके देखें कैसा लगा उसको, और अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलते हैं, जो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं पर डे का, डे को डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट डे। तो आज जो कोई डे नहीं था इसलिए मैंने अगस्त 9 का एक डे को सेलेक्ट किया जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, जिसको लोकल बोला जाता है कहीं का। आप अगर कहीं के लोकल हो तो आपको बोला जाएगा कि आप वहां के इंडिजीनियस हो, क्योंकि सिर्फ आप वहीं पाए जा सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल को फर्स्ट प्रोनाउंस किया गया था जनरल असेंबली ऑफ यूएन नेशन का, यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इसको पहली बार प्रोनाउंस किया गया था दिसंबर 1994 में। उसी टाइम ये डिस्कस किया गया था कि अब हम लोग हर बार अगस्त 9 को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और 1995 से लेकर 2004 ये फर्स्ट डिकेड था जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल बोला गया। उसके बाद फिर 2005 से लेकर 2015 तक उसको सेकेंड डिकेड बोला गया। और इस सेकेंड डिकेड का थीम क्या था, अ डिकेड फॉर एक्शन एंड डिग्निटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल के सेकेंड डिकेड का थीम क्या था। तभी से जब 1994 से फिर हर साल हम लोग 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि अगर आप कहीं के लोकल हो तो आप जितना उस जगह के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बाकी बाहरी लोग आके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो उसी एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो पहला जो वर्ड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्स्टिनेट। पर्ट्स स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है जिद्दी, फर्मली और स्टबर्नली अडहरिंग टू वंस पर्पस। यानी आप जिद्दी रूप से, यानी एक स्थगित रूप से आप किसी एक पर्पस को ही करते रहो, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले, बट आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए आप उस काम को लगातार करते रहो। जैसे कि इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस लड़की से खाना नहीं बनता लेकिन फिर भी ये बेस्ट कुक एवर का टैग पहनी हुई है और खाना बनाने का कोशिश करते जा रही है, यानी कि ये अपने जिद के ऊपर काम करते जा रही है। सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। ट्रंप कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, कभी कभी वो काफी जिद्दी हो जाते हैं। द ऑब्स्टिनेट ओल्ड मैन रिफ्यूज टू गो टू हॉस्पिटल, यानी कि एक जिद्दी बूढ़े आदमी ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। आपको पता है बूढ़े लोग जल्दी बात मानते नहीं है, उन्हें लगता है कि उनका घर ही उनके लिए सब कुछ है। अगर उनकी अच्छाई के लिए आप उन्हें हॉस्पिटल भी शिफ्ट करोगे तो वो बोलेंगे नहीं, मैं घर में ही रह के ठीक हो जाऊंगा। आप इसको ऑब्स्टिनेट से कंपेयर कर सकते हो। सिनोनिम्स देखते हैं, इनफ्लेक्सिबल, टिनेसियस, एडामेंट। एंटोनिम्स होगा एमिनेबल, फ्लेक्सिबल, सबमिसिव। फ्लेक्सिबल मतलब कि जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। एक ऑब्स्टिनेट पर्सन अप्रोक्सीमेट अपना सारा काम खुद से करना पसंद करता है, क्योंकि उसे हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। वो जब तक उस काम को खुद से कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर जो कि है हमारा अफ्रंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है जिसका मतलब होता है अपमान करना। यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे का ये लोग अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अफ्रंट। हिज स्पीच वाज एन अफ्रंट टू मेनी इन द लोकल कम्युनिटी, यानी उसके भाषण को से काफी लोगों को जो कि वहां की लोकल कम्युनिटी थी उसका अपमान हुआ होगा। चाइनास कमेंट ओवर इंडिया इंडियन इंटरनल मैटर इज अफ्रंट टू हर डिग्निटी। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गौरव, भारत के गौरव के लिए। इसका भी मतलब लिख लीजिए, यानी कि चाइना का कमेंट भारत के आंतरिक मामले में भारत की डिग्निटी का अपमान करता है, भारत के गौरव का अपमान करता है। सिनोनिम्स देखते हैं, इनडिग्निटी, प्रोवोकेशन, इंसल्ट मतलब अपमान। एंटोनिम्स होगा रिस्पेक्ट, प्रेज, फ्लैटरी यानी आदर, सम्मान।
पेरेंट्स के फ्रंट में उनके साथ जवाब लगाने को हमारे समाज में अपफ्रंट माना जाता है। पेरेंट्स का अगर आप पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आप उसका रिप्लाई तुरंत बाद तुरंत करते जा रहे हैं उनके सामने खड़े होकर, तो ये हमारे पेरेंट्स का अपमान होता है। उनसे मुंह नहीं लगाना चाहिए, उनके उनको जवाब नहीं देना चाहिए। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा जेनरोसिटी। पार्ट्स स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है उदारता। स्पिरिट ऑफ गिविंग यानी दानशीलता, जिसको आप बोल सकते हो, उदारता बोल सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो एक बंदे ने इतने सारे लोगों के ऊपर प्यार बरसा रखा है, यानी कि ये काफी उदार व्यक्ति है। इंडिया हैज ऑलवेज शो जेनरोसिटी टुवर्ड्स चाइना, यानी भारत ने चाइना की तरफ हमेशा उदारता दिखलाई है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि आज चाइना भारत को एंट्री करने से रोक रहा है, वो सीट पहले यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इंडिया को दिया गया था, बट भारत ने उदारता दिखाई और वो सीट चाइना को ऑफर कर दिया, और आज वही चाइना भारत को यूएनएससी में नहीं घुसने दे रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, गुडनेस, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस। एंटोनिम्स देखेंगे, मीननेस, मेलवोलेंस, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन। हमारी इंडियन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में अपने जेनरोसिटी के लिए फेमस है, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्री के होते हुए भी जरूरत पड़ने पे हम उनका साथ देते हैं, यानी भारत पूरे विश्व में अपनी उदारता के लिए काफी फेमस है। इस कोरोना में भी आपको पता है कि भारत ने कितने सारे कंट्री को मेडिसिन सप्लाई की है। फोर्थ वर्ड जो है आज का हमारा, वो है स्प्लेंडिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है शानदार, भव्य, ब्रिलियंट इन अपीयरेंस। ये लोकेशन देख सकते हैं आप, कितना ब्रिलियंट लग रहा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, ये लाइटिंग देख सकते हो, कितना शानदार और भव्य है ये। द फायरवर्क्स लुक्ड वेरी स्प्लेंडिड अगेंस्ट द डार्क स्काई। काले स्काई में अगर आप फायरवर्क्स करो यानी पटाखे फोड़ो, तो उसका लुक जो होता है काफी शानदार होता है, काफी भव्य होता है, देखने में वो काफी अच्छा लगता है। The poor sound quality ruined an otherwise splendid lecture, यानी कि खराब साउंड क्वालिटी के कारण एक काफी अच्छे शानदार लेक्चर का बर्बाद हो गया, उसका इम्पैक्ट कम हो गया। सिनोनिम्स देखते हैं, एडमायरेबल, एक्सेप्शनल, फैंटेस्टिक। एंटोनिम्स देखेंगे, डल, कॉन्वेंशनल, ऑर्डिनरी। अंबानी के बेटे का शादी जिसने भी अटेंड किया, सबने बोला काफी स्प्लेंडिड था, भाई हो भी क्यों ना, वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर का वो अमीर है। चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इनएडवर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है असावधानीवश, बेखबर, अनइंटेंशनल, यानी कोई चीज आप जानबूझ के ना करो लेकिन फिर भी आपसे हो जाए। जैसे कि कोई भी बंदा चाहेगा कि यहाँ जाके पत्थर पे मैं टक्कर मारूं, लेकिन इससे असावधानीवश बोलो या फिर बेखबर हो था ये बंदा, इस कारण से बोलो इसने जाके यहाँ टक्कर मार दिया। I hope you will believe me when I assure you it was inadvertent. मैं आशा करता हूँ तुम मेरा भरोसा करोगे जब मैं तुम्हें assure कराऊंगा कि ये एक असावधानी बस हुआ है, unintentional हुआ है, यानी कि जानबूझकर ये नहीं किया गया। The Chinese government has said corona was an inadvertent error. डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते रहते हैं उसको चाइनीज वायरस, but Chinese government का कहना है कि ये एक असावधानी बस, यानी कि अनइंटेंशनल एरर है कोरोना। सिनोनिम्स देखते हैं, एक्सीडेंटल, रैकलेस, अनइंटेंडेड। एंटोनिम्स होगा केयरफुल, कॉशस, इंटेंशनल यानी सावधानी। डिटर्जेंट के टाइल्स पे गिर जाने से बच्चे फिसल गए और उन्हें चोट लग गई, बट ये एक इनएडवर्टेंट एक्टिविटी थी। अगर टाइल्स आपकी व्हाइट कलर की हो और उसपे अगर डिटर्जेंट गिर गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई भी उस तरफ से गुजरेगा तो वो वहां पे फिसलेगा ही और वो गिरेगा ही, बट ये एक अनइंटेंशनल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड का डिस्कशन खत्म हुआ। आई होप कि वीकेंड में आप लोगों ने प्रीवियस वीक में डिस्कस किए गए सारे वर्ड को एक बार रिवीजन कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग में, जो कि 9th of August के वर्ड है, सॉरी 8th of August के ये वर्ड है। ये रहा हमारा वर्ड और ये रहा हमारा साइनोनिम्स। कोएलिशन, ये मैंने कल परसों भी बताया था, इसका मतलब होता है गठबंधन, दो तीन पार्टी मिलकर अपना सरकार बनाना, उसको बोलते हैं गठबंधन। ये होगा इसका सिनोनिम्स होगा एसोसिएशन। स्लगिश, आलसी, जिसको आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्लगिश है, बहुत स्लो है, लिथार्जिक। इरिट्रेवेबल यानी कि असाध्य, जिसको बोलते हो कि अगर बाय चांस कोई गलती आपसे हो गई जो कि सुधरने वाला नहीं है, सुधरने लायक नहीं है, उसको आप बोलते हो इरिट्रेवेबल यानी कि इरिकवरेबल। यूफोरिया, परमानंद, मैंने कल भी बताया था।
कुछ एक चीज को देखकर आपको परम आनंद आता है यानी कि प्लेजर। और लास्ट में सबवर्ट मतलब कि नष्ट करना, ये तो एकदम सेम यहीं पर है यानी कि डिस्ट्रॉय। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, और हाँ मैं करंट अफेयर्स का वीडियो जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, सो वेट कीजिएगा, आपको पर डे करंट अफेयर्स जरूर मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल नहीं अभी फिर से मिलेंगे 1 घंटे बाद हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।